जलेबे को आग और बुझेबे को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे मांसु कुमार कहते हैं। तो आज हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन इन क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे। बोले तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन दोस्त नाइट्रिक एसिड के साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्त क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, तो ये हो गया आपका दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का यूपीक नेम हो गया क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करना है, लेकिन ध्यान रहे ये जो नाइट्रिक एसिड है वह आपका कंसनट्रेटेड रूप में होना चाहिए, मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए दोस्त कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हो गया, एक हाथ में पानी है दूसरा हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब हो गया जब नाइट्रिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड को दोस्त लिख सकते हैं इस तरह, NO2 सिंगल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन दो और एक तीन ऑक्सीजन, तो नाइट्रिक एसिड का ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं जो क्लोरोबेंजीन है आपका वह हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और प्लस एम इफेक्ट शो करने की वजह से क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि जानते दोस्त क्लोरो ग्रुप के पास तीन लोन पेयर होता है। जब क्लोरो ग्रुप अपना लोन पेयर बेंजीन के रिंग को देता है तब ऑर्थोपेरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपेरा पोजिशन पर टिक करता है। यहाँ पर देखिए दोस्त सबसे पहले क्लोरोबेंजीन था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में दो क्लोरोबेंजीन बना दिए, ये हो गया मेरा पहला क्लोरोबेंजीन और ये हो गया मेरा दूसरा क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले मैं दोस्त ऑर्थो पोजिशन वाले हाइड्रोजन को हटाने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन मेटल है, देखिए दोस्त हाइड्रोजन एसिड है OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब इस खाली बोर्ड में लगा दिए नाइट्रो ग्रुप को, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आ गया आपका नाइट्रो ग्रुप। अब यहां पर देखिए दोस्त ऑर्थो पोजीशन से तो हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लगा दिए। अब हम लोग पैरा पोजिशन से हाइड्रोजन एटम को हटाने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन एसिड OH बेस, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और पैरा पोजिशन पर जो खाली बॉन्ड है ना वहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। यहाँ पर दोस्त नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पर लग गया, तो इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर लिख दिया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इस कंपाउंड का नाम हो गया पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर लिख दिए पेरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ऑर्थो पोजिशन पर क्लोरो और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का बनने का टेंडेंसी कम होगा, तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लोरो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पे लगे हुए, तो यहाँ पर क्लोरो नाइट्रो के बीच भीड़ भाड़ कम है, भीड़ भाड़ कम बोले तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन जो ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पर लिखिए क्लोरोबेंजीन,
ये हमारा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला था NO2 सिंगल बोंड OH। अब इस केमिकल रिएक्शन में दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है, जहां पर पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन एक तरह का मेजर प्रोडक्ट है। इसका जनरल लैंग्वेज होगी दोस्त, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इन विच पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन क्लोरो एंड नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचजी में नाइट्रेशन इन क्लोरोबेंजीन आपका खत्म हो गया। नाइट्रेशन में दोस्त बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल का नाम होता है नाइट्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है NO2+। यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बनता है हमेशा। तो इस तरह दोस्त नाइट्रेशन इन क्लोरोबेंजीन फुल एचजी क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।